हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। आज हमारे पास यहाँ पे महिंद्रा XUV 500 आई हुई है और आज इसके अंदर बहुत सारा जो है चेंजेस हम लोग करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है इसका साउंड सिस्टम अच्छा नहीं है, तो इसके अंदर साउंड सिस्टम के लिए हमने अपग्रेड कर रहे हैं। ब्लॉपंक का इसके अंदर हम लोग प्लेयर लगाने वाले हैं, प्लस ये जो आपको दिख रहा होगा एवेटार की सीरीज़, ये दोनों जो हैं दोनों सीरीज़ हैं और ये लगाने वाले हैं इसके अंदर आगे वाले डोर्स में और पीछे वाले डोर में। 150 वॉट मैक्स आउटपुट इसका आता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो ये दोनों चीज़ इसके अंदर यूज़ करेंगे। अभी पूरे पर्दे वगैरह पूरा खोलना शुरू कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हमने सीट वगैरह खोल ली, जैसे कि आप देख रहे हैं, क्योंकि सीट्स में भी अभी सीट कवर लगने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेयर अभी लगा दिया है हमने इसमें। और अब हम आपको दिखाते हैं इसकी सीट्स, जो सीट कवर है ये ओरिजिनल सीट्स हैं अभी, जिसको अभी हम पूरा चेंज करके इसको एक ब्लैक कलर का इंटीरियर में पूरा हम चेंज करने वाले हैं, क्योंकि बेज कलर से अब जो है भैया बोर हो गए थे, उनको चाहिए था कुछ नया करना। जैसे कि उनकी गाड़ी पूरी ब्लैक है, तो उसके अंदर पूरा इंटीरियर जो है अभी पूरा ब्लैक होने वाला है। तो इसके अंदर सीट्स का अभी जो है वो काम चल रहा है, जैसे कि हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। ये जो है लेमिनेटेड नापा का मटेरियल इन्होंने चूज़ किया हुआ है और ये जो है इस गाड़ी के अंदर अभी हम पूरा फिट करने वाले हैं। सारे सीट कवर्स के अंदर रॉड डल रही है, क्योंकि बकेट फिटिंग होनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पूरा काम, और किस तरीके से इसका साउंड आने वाला है, किस तरीके से इंटीरियर लुक आने वाला है, वो आपको दिखाएंगे। तो प्लीज़ कंटिन्यू रखिएगा और देखते रहिए। तो यहाँ पर हमारी XUV 500 जो है पूरी कम्प्लीट हो गई है, और इस गाड़ी को कंप्लीट करने में आप जैसे कि हम लोग पूरा वीडियो जो है लगभग 4-5 मिनट के अंदर पूरा ख़त्म कर देते हैं, लेकिन इसमें हमें जो पूरा काम करने में समय लगता है, काफ़ी समय लगता है। कल रात भर भी काम चला है, आज सुबह जाके ये पूरी कंप्लीट हुई है गाड़ी, और पूरा सीट कवर का काम किया गया है। इसके अंदर प्लेयर मैंने आपको बताया था, एवेटार के जो हैं इसके अंदर स्पीकर्स लगे हैं, डैम्पिंग हुई है, काफ़ी काम था इसके अंदर। सीट कवर लगाने में काफ़ी प्रॉब्लम जाती है, क्योंकि बहुत टिपिकल कार्स हैं ये, और इनके हर एक पैनल को खोल के बिल्कुल परफेक्टली फिट करना पड़ता है। जैसे कि आप फिटिंग्स वगैरह देख रहे हैं अभी, जो कि ओरिजिनल फिटिंग्स में ही पूरे जो है सीट कवर्स को बनाया जाता है, लगाया जाता है। तो इस गाड़ी को बनाने में काफ़ी टाइम भी लगा है और बहुत मेहनत लगती है ऐसी फ़िटिंग्स देने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल फुल बकेट जो है इसके अंदर किया गया है, लेमिनेटेड नापा का मटेरियल यूज़ किया हुआ है, कस्टमर चॉइस के ऊपर पूरा काम किया हुआ है, क्योंकि उनकी कार पूरी ब्लैक थी, तो हमने जो है पूरा इंटीरियर जो है ब्लैक करने की कोशिश करी गई है। यहाँ पे आप सीट कवर्स को आप पूरा नोटिस कर पाएंगे, किस तरीके से सीट कवर्स को जो है इंस्टॉल किया गया है पूरा। यहाँ पे हम आपको को ड्राइवर सीट भी दिखा देते हैं, ये आप देख सकते हैं लेमिनेटेड नापा मटेरियल जो आता है, उस मटेरियल के अंदर इसको जो है हमने पूरा कंप्लीट करके रखा है। जैसे कि आपको पता है XUV 500 में पीछे इस तरीके के प्लास्टिक पैनल्स आते हैं, तो इन पूरे पैनल्स को जो है पूरा निकालना पड़ता है, उसके बाद जो है फिटिंग होती है। यहाँ पे आप हर एक चीज़ की फ़िटिंग देखेंगे, बहुत ही परफेक्टली आई गई है फिटिंग, क्योंकि बिल्कुल जो सीट कवर्स बनते हैं गाड़ी के नाप के भी बनते हैं, और उसी हिसाब से इसको पूरा लगाया जाता है। सीट कवर आप यहाँ देखेंगे, कोई चेन वगैरह नहीं लगाते हैं, जो ओरिजिनल फिटिंग होती है उसी में हम इसको पूरा कम्प्लीट करते हैं। कस्टमर चॉइस के ऊपर पूरा ब्लैक कलर इसके अंदर किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी ये सीटें हैं, और काफ़ी कंफर्टेबल अब हो गई हैं, क्योंकि पहले से इसके अंदर जो फोमिंग कम हो गई थी, सीट कवर के अंदर हमने जो है एक्स्ट्रा फोमिंग करी गई है। ये जो है पीछे आपको दिखा रहे हैं, पीछे की जो सीट्स हैं ये आप वो देख सकते हैं। यहाँ पे आप बैठक भी देख सकते हैं इसकी, बिल्कुल पूरी जो फुल बकेट सीट्स होती हैं उस तरीके से पूरा इनको लगाया गया है, पूरा काम किया गया है। अब आती है बात इसके साउंड आउटपुट की, जो कि एवेटार के इसके अंदर स्पीकर्स लगाए हैं, ब्लॉपंक का प्लेयर लगाया है, ये किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है, चलता है। तो आइए अब इसका जो है साउंड आउटपुट सुनते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आ गए हम साउंड आउटपुट देखने के लिए, आपको सुनाने के लिए आ गए हैं। तो यहाँ से आप देखते हैं, हम इसको पूरा वॉल्यूम जो है खोलते हैं और फिर सुनाते हैं आपको इसका साउंड आउटपुट।
तो ये है पूरा इसका साउंड आउटपुट, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ जो इसके अंदर बहुत सारे जो फीचर्स आते हैं वो किस तरीके से रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लॉपंग का प्लेयर 980 हमने यूज़ किया हुआ है। इसमें आपको नेविगेशन, रेडियो, म्यूज़िक, फ़ोन, ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई इससे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम यूट्यूब चला रहे थे, पूरा प्ले स्टोर वगैरह सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाता है। काफ़ी स्मूथ इसकी जो है आपको टच क्वालिटी मिलेगी, बहुत फास्ट स्टार्ट इसका जल्दी से स्टार्ट हो जाता है, वो काफ़ी अच्छा प्लेयर है गाड़ियों के लिए। अभी तक का सबसे अच्छा प्लेयर जो मेरे को लगता है ब्लॉपंग का अभी तक जो आया है वो यही प्लेयर है। और इस प्लेयर को अभी हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। इक्विलाइज़र बैंड आपको इस तरीके से दिख जाएगा कुछ, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे बैंड्स हैं, आप अपने हिसाब से इसको जो है पूरा सेट कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसमें जो बेस वगैरह आपको अगर चाहिए तो यहाँ से आप इसको अप करके बिल्कुल गेन वगैरह जैसे आपको देना है आप दे सकते हैं। तो बहुत अच्छा बैंड है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत अपने हिसाब से, हर गाने के हिसाब से आप इसको सेट करके, अगर आप स्लो म्यूज़िक सुनते हैं तो आप स्लो म्यूज़िक में सेट कर सकते हैं, अगर आपको कुछ रॉक टाइप का म्यूज़िक सुनना है तो इसमें काफ़ी सारे आपको जो है ऑप्शंस अभी मिल जाएंगे। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं जैसे ये कस्टम है, स्टैंडर्ड है, रॉक है, तो पूरी सेटिंग्स जो है उस हिसाब से पूरी बन जाती है और लग जाती है। तो ये था पूरा हमारा XUV 500 के बारे में पूरा इसका इंस्टॉलेशन और पूरा इसका वीडियो जो कि आज हमने आपको दिखाया। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। इसी तरीके से हम आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। थैंक यू।